सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, अगर आपने टेक्नो गेमर्स का लास्ट एपिसोड देखा था तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम माइकल गया था डगन बॉस के हाउस पर, और भाई वहां पे ना डगन बॉस के जाते हैं माइकल ना घर में घुसकर सारा डेटा वगैरह को तोड़फोड़ कर दिया। उसके साथ साथ वहां पे ना घुस करके सारे सिक्योरिटी गार्ड की ऐसी तैसी कर दी थी। लेकिन गाइस वहां पे ना एक बहुत ही खतरनाक सा सीन हुआ था। मतलब यार अपने लैम्बोर्गिनी उरुस पे पूरे $100 मिलियन था, लेकिन गाइस उस वाले कार को ना उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड ने जला दिया। और गाइस साथ ही ट्रेवर को ना भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से पीटा गया वहां पर। लेकिन गाइस सही टाइम पे हम वहां पे जाकर के ट्रेवर को तो बचा लिए, लेकिन भाई अभी भी ना ट्रेवर पूरी तरह से बेहोश है। मतलब ना अभी गाइस अपने पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ना ट्रेवर को फटाफट से हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा, वरना भाई ट्रेवर ना कभी भी टपक सकता है, और भाई ऐसा मैं होने नहीं देने वाला हूँ। खैर यार अभी ना पूरे $100 मिलियन का चूना लगा है हमें, पूरे यार लैम्बोर्गिनी यूरस में ना था। लेकिन गाइस उस दिन अगर हम लोग घर पे ही छोड़ देते ना भाई अपना $100 मिलियन बच जाता। लेकिन गाइस अब क्या ही कर सकते भाई, जल्दी से ना हमें सबसे पहले ट्रेवर को बचाना पड़ेगा। बाकी तो गाइस $100 मिलियन तो भाई डजन बॉस से मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर उसे मारने के बाद ना उसके पास जो जो भी चीज़ें ना भाई सब कुछ हम लोग ले लेंगे, क्योंकि यार अपना जो $100 मिलियन का नुकसान थोड़ी ना सहूंगा मैं। खैर गाइस अभी ना मैं फटाफट से अपने कार को भगाते भगाते सीधा हॉस्पिटल के पास चलता हूँ, और भाई हॉस्पिटल ना मेरे आस पास ही है। एक सेकंड में ना मास्क लगाता हूँ और वहाँ पर चलता हूँ। वो गत गए सर अभी ना मैं पहुंच चुका हूँ हॉस्पिटल पे, और गैस ये रहा सामने, तो यही है साथ से। ओके तो यही है, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, और भाई सही सलामत है भी या नहीं। भाई साहब यहाँ पे तो ना लगता है तोड़फोड़ हुआ है। एक सेकंड मैं ना अंदर जा करके डॉक्टर से बात करता हूँ। अरे भाई साहब ये क्या हो रखा है यार, हर जगह ना मतलब देख लो चेयर वगैरह सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। भाई यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये हॉस्पिटल ही है ना यार, ये तो हॉस्पिटल था। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन गाइस यहाँ पे इस बार तो बहुत ही खतरनाक सा सीन हो रखा है। मतलब हर एक गेट लॉक है और भाई टूटा फूटा पड़ा है। लगता है ना गाइस यहाँ पे कोई खतरनाक मतलब कोई अटैक किया था और भाई सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया। हालांकि यहाँ पे ना पेशेंट का बेड वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन गाइस डॉक्टर ही नहीं, तो भाई हम लोग यहाँ करेंगे क्या भाई। लगता है ना कहीं पे तो डॉक्टर होना चाहिए। एक सेकंड, मैंने सबसे पहले ना इस वाले रूम पे, ओके तो ये तो लॉक है भाई, आगे चलकर देखते हैं। यार डॉक्टर वगैरह होता ना तो भाई उठा कर यार अभी ले जाता मैं उसे घर पर ही, लेकिन गाइस अब कर ही क्या सकते हैं। गाइस यहाँ पे देख रहे हो सारा गेट वगैरह लॉक है। यार मुझे क्या लगता है ना यहाँ पे कोई खतरनाक ये मतलब अटैक वगैरह हुआ था, जिसमें ना गाइस बम वगैरह ब्लास्ट किया गया है, और भाई देख रहे हो हर एक चीज़ भाई टूटा फूटा पड़ा है। खैर यहाँ से निकलते भाई, कहीं पर ना नंबर वगैरह भी नहीं है, वरना यार कॉल लगा कर मैं डॉक्टर से बात कर लेता। खैर गाइस यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, मैं ना एक बार ही फ्रैंकलिन को कॉल करके लगाता हूँ, कॉल करके देखता हूँ। यार एक बार ना फ्रैंकलिन को मैं फटाफट से कॉल करता हूँ, और भाई घर पर है क्या वो पूछ लेता हूँ एक बार ही। ओके तो गाइस यार अभी ना मैंने फ्रैंकलिन से बात कर लिया, और भाई फ्रैंकलिन ना बोल रहा है कि ट्रेवर को लेकर के सीधा तुम मेरे घर पर आ जाओ, और भाई उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो गाइस अभी ना मैं फटाफट से ट्रेवर को घर पर लेकर के जाता हूँ, और भाई मैं क्या करने वाला हूँ ना सीधा डॉक्टर की कहीं से उठा कर ले आऊँगा किडनैप करके, वरना भाई कॉल करने पर आ जाएगा तो ठीक है। वैसे यार लॉस सैंटोस में देख रहा हूँ भाई, मतलब यार रात काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ना कोई भी ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो हम लोग फटाफट से दौड़ाते हैं अपने कार को और गाइस चलते सीधा फ्रैंकलिन के हाउस पे। वैसे यार बहुत ही यार खतरनाक सा सीन नहीं हो गया भाई, ट्रेवर यार ऐसे हालत पे यार भाई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं मिल रहा है, मतलब यार मिला तो भाई टूटा फूटा। ओके तो गाइस यार अभी ना मैं आ चुका हूँ सीधा फ्रैंकलिन के हाउस के पास, और भाई शायद यही जगह है। ओके तो यही पे है, और भाई चलते हैं हम लोग। भाई आगे बढ़ गया मैं, एक सेकेंड मैं ना बैक लेता हूँ। यार मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई, पागल हो चुका हूँ यार। $100 मिलियन माइकल का गया भाई, इसी यार दुख में शायद से भाई भूल चुका है सबका रास्ता माइकल। खैर यहाँ पे ना गाइस हम लोग ट्रेवर को फटाफट से उठाते हैं, और गाइस बेड पे लेकर के चलते हैं सबसे पहले, फिर यार डॉक्टर को बुला लेंगे। ओके तो गाइस यार अभी ना काफ़ी टाइम हो चुका है, और भाई यहाँ पे ना अभी भी ट्रेवर बेहोश है, और भाई 10 मिनट पहले ही मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, लेकिन भाई क्या ही सीन हो रहा है भाई समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर भी अभी तक आया नहीं है, और भाई अभी ना एक बार ही कॉल करके देखते हैं भाई वो रास्ते में है भी या नहीं। वैसे यार फ्रैंकली ना कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई उस मतलब डॉक्टर को यार कॉल ही नहीं लग रहा है। खैर एक सेकेंड मैं ना एक बार ही उससे बात करके देखता हूँ, अगर वो आ रहा होगा वरना ठीक है, वरना भाई हमें जाना पड़ेगा किसी को किडनैप करके लाने के लिए, वरना भाई अभी ना क्या ही कर सकते हैं भाई, कोई हॉस्पिटल वगैरह भी ओपन नहीं होगा। खैर एक्सीडेंट में ना बात कर लेता हूँ। ओके तो गाइस यार अभी ना मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, और भाई वो बोल रहे हैं ना वो रास्ते में है, लेकिन गाइस उसका ना बाइक ख़राब हो गया है। अब यार क्या ही हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ना फटाफट से अपने ड्रोन बाइक को लेकर के चलता हूँ, मतलब ये बाइक है फ्रैंकलिन का, और भाई फटाफट से मैं चलता हूँ वो जो जगह पे बुलाया है उसे हम लोग पिक करके लाते हैं। अभी ना अपने पास कोई रास्ता नहीं है, एक सेकंड ओके तो यहाँ पे जाना है, तो वो ना एक कपड़े का स्टोर के पास खड़ा है, तो हम लोग चलते फटाफट से, और भाई उसे ना फटाफट से उठा कर लाते हैं, वरना भाई ज़्यादा टाइम हो गया ना भाई अपना जो ट्रेवर है ना भाई टपक ना जाए।
वैसे यही मुझे डर है। खैर अभी हम लोग चलते हैं फटाफट। अरे यार एक सेकेंड, मैं ना चाह रहा हूँ टोन बाइक को लेकर के, और भाई टोन बाइक के ना सिर्फ एक ही बंदे बैठ सकते हैं। भाई क्या ही कर रहा हूँ, मुझे तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो यार अपना $100 मिलियन चला गया, उस दूसरे से यार अपना ड्राइवर भी हो, भाई क्या ही हो रहा है। खैर अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से डॉक्टर को, यार रास्ते में ना किसी का कार उठा लेंगे, और भाई अपने पास कोई चारा नहीं है। खैर अभी ना मैं अपने बाइक को भगाते भगाते सीधा पहुंचने वाला हूँ उस जगह पर जहाँ पे उस डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। ओके तो गाइस अभी हम लोग जा करके मिलते हैं। तो गाइस यार अभी ना मैं डॉक्टर के पास तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन गाइस अभी ने इसे लेकर के जाना पड़ेगा, और इसके लिए ना मुझे कोई अलग से कार वगैरह ढूंढना पड़ेगा, या फिर यार वो ऐसा बाइक जहाँ पे यार दो लोग आराम से बैठ सके। कर यार अभी ना बहुत ही खतरनाक सीन हो रखा है। मैं ना सबसे पहले इस बाइक को कहीं पर पार्क कर देता हूँ और लॉक कर देता हूँ, ताकि यार इस बाइक को कोई चोरी ना कर ले। वैसे यार अपना बाइक नहीं है, फ्रैंकलिन का है। खैर गाइस अभी ना मुझे ना कार वगैरह ढूंढना पड़ेगा फटाफट से। वो कहते गाइस यार अभी ना फाइनली मुझे एक तो SUV तो मिला, लेकिन गाइस देख रहे हो क्या ही टट्टी कार है, मतलब यार चल ही नहीं रहा है सही से। और भाई अभी ना जो भी हो, हमें इसे कोई लेकर के जाना पड़ेगा, अपने पास यार टाइम नहीं है, और भाई रात ना बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो गाइस अभी ना किसी भी तरह से इस वाले कार को हम लोग भगाते भगाते चलते हैं। वैसे यार इसका जो हैंडलिंग है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर यार जो भी हो, चलाते चलाते हम लोग चलते हैं फटाफट से। ओके तो गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ सीधा फ्रैंकलिन के घर पर, और भाई अभी ना हम लोग फटाफट से जा करके ट्रेवर का इलाज कराते हैं। ओके तो गाइस यार अभी ना हम लोग फटाफट से ट्रेवर का इलाज करा लेते हैं, फिर यार हम आगे की बातें करेंगे। बाकी तो डगन बॉस से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और भाई अगर एक बार ना ट्रेवर ठीक हो गया ना भाई, डगन बॉस का तो मौत यार ट्रेवर के हाथों ही होने वाला है। खैर अभी ना हम लोग फटाफट से यार इलाज करा लेते हैं इसका, फिर हम लोग बाद में बातें करते हैं। ओके तो गाइस यार अभी ना सुबह हो चुका है, और भाई काफ़ी टाइम से ना ट्रेवर का इलाज चल रहा था, और भाई देख रहे हो अपने पीछे क्या ही बारिश हो रही है। भाई साहब इतने खतरनाक तरीके से बारिश हो रहा है ना भाई, वो पूछो ही मत यार। मतलब पूरा यार देख रहे हो सिटी वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक बिल्डिंग वगैरह बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रखा है। वैसे यार मैं ना ट्रेवर से मिलाना भूल गया आपको, चलिए ना फटाफट से मैं आपको ट्रेवर को दिखाता हूँ उसका भी क्या हाल है। वैसे अभी ना ट्रेवर ठीक ठाक तो है, लेकिन गैस उसे ना बहुत ही ज़्यादा पीटा गया है, जिससे यार अभी ना थोड़ी दिन तक वो चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी ना थोड़ा बहुत उसे डैमेज हुआ है मतलब पैर पर। तो यार वो डॉक्टर ने अभी दवाई वगैरह सब कुछ लिख दिया, तो कोई बात नहीं यार, हफ्ते दो हफ्ते में ना ट्रेवर आराम से ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग यार डगन बॉस को ना बहुत ही खतरनाक तरीके से उड़ाने वाले हैं। यार जो भी हो अभी ना हम लोग बाहर जाकर एक बार चेक करते हैं। अरे भाई साहब बहुत ही खतरनाक, भाई निकलो यहाँ से, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना बाहर, बहुत ही खतरनाक वाला मौसम हो रखा है। ओके तो गाइस यार अभी के लिए बस इतना। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो में लाइक टारगेट है 100, तो यार 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में और भी इसी तरह के वीडियो के साथ। बाय बाय।